हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास आध्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट मीन। व्हाट इज अ मीन? मीन इट्स अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। एक सीरीज के अंदर जब आपको डिफरेंट नंबर दिए होते हैं, तो जब हम उसकी एवरेज कैलकुलेशन करते हैं सिंपल मैनर्स में, तो उस एवरेज जो हमें नंबर मिलता है, उसकी वैल्यू मिलती है, उसे हम मीन कहते हैं। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो अंडर डायरेक्ट मेथड में इसके टू टाइप्स होती है। एक तो हमें सिंपल सीरीज दी हुई है, जैसे यहाँ पे एक्स सीरीज है, इसको हम मार्क्स डिनोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के। ये मान लो हमारे पास मार्क्स हैं बच्चों के आउट ऑफ 10, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। यहाँ पे समेशन एक्स हम मानेंगे इन टर्म्स के सम को, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ये हमारा प्लस करके 35 आया, तो समेशन एक्स के प्लेस पर हम 35 पुट करेंगे और एन के प्लेस पर हम 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर हैं उनके जितने, वो पुट करेंगे। तो देखेंगे हमें यहाँ से 7 गेट हो रहा है, ये हमारा मीन होगा। तो इसके सेकेंड टाइम में हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का मीनिंग जानना जरूरी होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि हमें इस सीरीज में बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। और अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो इट मीन्स जो 10 मार्क्स गेट करने वाले हैं वो 4 बच्चे हैं, और 20 मार्क्स गेट करने वाले हैं वो 5 स्टूडेंट्स हैं। एज 30 वाले 3, 40 वाले 2 एंड 50 वाले 5 हैं। तो यहाँ से हम एफएक्स कैलकुलेट करेंगे। एफएक्स को निकालेंगे, 10 × 4 = 40, 20 × 5 = 100, 30 × 3 = 90, 40 × 2 = 80, 50 × 5 = 250। इस तरह से हम इसका भी सम कर लेंगे, इन टर्म्स का भी। ये आया हमारा समीशन fx = 560। और इस फ्रीक्वेंसी को भी हम ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा समीशन f = 19। इट मीन्स ये जो हमारा हुआ, ये सम, ये हमारा आइटम्स का जो सम हुआ, इसको हम इस फॉर्मूले में समीशन fx अपॉन समीशन f, जो हमने स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ पे सीरीज के 1, 2, 3, 4, 5 लिए थे, वो नंबर हम यहाँ पे ये 19 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो पुट करेंगे। क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास इतने हुए ना, 4, 5, 3, 2, 5, ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स हुए। तो समीशन f की जगह पर हम 19 और समीशन fx की प्लेस पर हम जे मल्टीप्लाई एप्लीकेशन करके जो उनका सम आया वो पुट करेंगे। इस तरह से हम देखेंगे जब हम कटिंग करते हैं तो हमें मीन इज इक्वल टू 29.47 गेट होता है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड के साथ मीन को कैलकुलेट करना सिखाया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको अज्यूम मीन, देन स्टेप डेविएशन, इन तीनों मेथड को डिफरेंशिएट करके आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।